दोस्तों, वन प्लस एट सीरीज का सेल इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका नेक्स्ट सेल जो आने वाला है वो आने वाला है 29 मई को अमेजोन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वन प्लस एट प्रो में क्या कुछ ज्यादा खास फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है अगर कंपैरिजन किया जाए वन प्लस एट के सामने। तो दोस्तों टोटल 7 कैटेगरी है जिसमें आपको वन प्लस एट प्रो में कुछ ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, अपर हैंड लेकर जाता है वन प्लस एट प्रो इन कंपैरिजन टू वन प्लस एट। मैं सारे स्पेसिफिकेशन सा कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं या फिर जो कॉमन फीचर्स है उसके बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं OnePlus 8 के कुछ खास फीचर्स जो कि आपको OnePlus 8 में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि आपको आने वाले सेल में OnePlus 8 को परचेस करना चाहिए या फिर थोड़े दिन वेट करके OnePlus 8 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो टोटल 10,000 का देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखकर डिसाइड कीजिए कि आपको ये परचेस कर ना है अभी 29 मई को या फिर वेट करके OnePlus 8 Pro आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं OnePlus 8 Pro के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में कि वेरिएंट में क्या कुछ फर्क देखने के लिए इन दोनों स्मार्टफोन्स में मिलता है। OnePlus 8 में आपको 3 वेरिएंट दिया जाता है, वहीं OnePlus 8 Pro में आपको 2 वेरिएंट ही दिया गया है। OnePlus 8 में 6GB और 128GB, उसके बाद 8GB और 128GB, उसके बाद आपको 12GB और 256GB का वेरिएंट दिया गया है। वहीं आपको OnePlus 8 Pro में आपको 8GB और 128GB और 12GB और 256GB, यही दो वेरिएंट दिया गया है। तो ये था वेरिएंट में फर्क और दोनों के वेरिएंट में 10,000 का गैप है। अगर आप 8GB 128GB वाला OnePlus 8 लेंगे तो आपको पड़ेगा 44,999 का, वहीं अगर आप 8GB 128GB वाला OnePlus 8 Pro लेंगे तो आपको पड़ने वाली है ये 54,999 का। और अगर आप 12GB 256GB वाला वेरिएंट अगर आप परचेस करते हैं OnePlus 8 में तो ये आपको आएगी 49,999 का। वहीं आप अगर लेते हैं OnePlus 8 Pro में सेम वेरिएंट 12GB 256GB का तो आपको आने वाली है 59,999 रुपीज में। वेरिएंट के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोनों के स्क्रीन में, दोनों के डिस्प्ले में भी बहुत ज्यादा फर्क है। आपको OnePlus 8 में फुल HD प्लस का स्क्रीन दिया गया है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन है, वहीं आपको OnePlus 8 Pro में क्वाड HD प्लस का स्क्रीन यूज किया गया है। तो स्क्रीन में भी बेहतर आपको देखने के लिए मिलने वाला है OnePlus 8 Pro में। अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज वीडियोज वगैरह देखते हैं तो नो डाउट आपको OnePlus 8 Pro में ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। दोस्तों आपको OnePlus 8 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, वहीं आपको OnePlus 8 Pro में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज किया गया है। लेकिन 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्क देखने के लिए जो मिलता है वो बेसिकली 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में ही देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि पर्सनली मैं 7TB यूज कर रहा था और अभी मेरे पास सैमसंग का S20 Plus है जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो 90 और 120 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन फर्क तो है, बहुत मिनिमल फर्क है लेकिन है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में जो कि बहुत ज्यादा हाइलाइटिंग फीचर्स होता है किसी भी यूजर्स के लिए। तो दोस्तों OnePlus 8 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, वहीं आपको OnePlus 8 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो इस तरह हैं, आपको OnePlus 8 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यूज हुआ है, उसके बाद आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज किया गया है और 2 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो लेंस यूज किया गया है। वहीं इसमें फ्रंट कैमरा जो यूज किया गया है वो 16 मेगापिक्सल का यूज किया गया है। लेकिन अगर बात कर ले OnePlus 8 Pro के बारे में तो इसमें 48 मेगापिक्सल का सेम कैमरा जो यूज हुआ है OnePlus 8 में, वही कैमरा मेन कैमरे के तौर पे यूज हुआ है। लेकिन इसमें जो आपको वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का। इसके बाद आपको OnePlus 8 Pro में 5 मेगापिक्सल का यूज हुआ है फिल्टर कैमरा, जिससे आप बहुत अच्छा पिक्चर फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का एक जूम कैमरा भी देखने के लिए मिलता है, जो कि OnePlus ने इसके बारे में बोला है हाइब्रिड जूम कैमरा, और ये OIS सपोर्ट के साथ में आती है। दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन्स हैं। अब ये फ्लैगशिप किलर से निकलकर फ्लैगशिप रेंज में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, लेकिन आपको OnePlus 8 में अभी भी IP रेटिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं आपको OnePlus 8 Pro में IP68 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। OnePlus 8 Pro वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट के साथ में आता है।
दोस्तों अगर बात किया जाए बैटरी के बारे में, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको OnePlus 8 Pro में ज्यादा इंप्रूव देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि OnePlus 8 Pro में जो बैटरी यूज हुआ है वो यूज किया गया है 4510 mAh का, वही OnePlus 8 में 4300 mAh का यूज किया हुआ है। बहुत ही माइनर गैप है, लेकिन ये माइनर गैप भी आपको महसूस हो जाए। दोस्तों लास्ट और मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स जो OnePlus के किसी भी स्मार्टफोन में इंक्लूड किया गया है फर्स्ट टाइम, वो है वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अब से पहले OnePlus के किसी भी स्मार्टफोन्स में आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन OnePlus 8 Pro में आपको वायरलेस और साथ ही साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन OnePlus 8 में ये फीचर्स नहीं दिया गया, जो कि एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में। तो यही था दोस्तों टोटल 7 फीचर्स जो आपको OnePlus 8 Pro में ज्यादा इंप्रूव देखने के लिए मिलने वाला है OnePlus 8 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको OnePlus 8 परचेस करना चाहिए या फिर ये सारे जो कुछ फीचर्स हैं ये आपके लिए अगर ज्यादा मायने रखते हैं तो फिर आप कुछ दिन वेट करके OnePlus 8 Pro की तरफ बेशक जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी जरूर लेकर आता। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।